Assalamualaikum everyone. तो हमें स्टार्ट करने के जनरल सर्जरी का अगला चैप्टर विच इज सिस्ट साइनसिस फिस्टुला एंड वुंड्स, और ये वाला चैप्टर भी हम इंपॉर्टेंट चीजों के हिसाब से लेके चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये चैप्टर करा के इंशाल्लाह मैं जनरल सर्जरी को स्टॉप कर दूंगी और फिर मैं जो आपकी मेडिसिन में हीमेटोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी के दो यूनिट्स रहते थे उनको कम्प्लीट कराने की कोशिश करूंगी विद इन नेक्स्ट 5-10 डेज, ताकि वो जल्दी से वो भी कवर हो जाए किसी तरह से। आई नो कि जनरल सर्जरी में इसके बाद आपका जो रह जाएगा एक ATLS का एक सर्जिकल एनाटॉमी, लेकिन वो चैप्टर जैसे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आपने जरूर पढ़ने हैं, लेकिन इतने मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान से चैप्टर है, तो आपसे आसानी से हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो सिस्ट का पोर्शन है, क्वेश्चन जो आते हैं जिस हिसाब से उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो सिस्ट में से जो आपको पता है, सिस्ट कोई भी ऐसी जब बॉडी में स्वेलिंग बनती है विच इज लाइंड बाय जो ट्रू सिस्ट होती है, एक एंडोथीलियम, या मतलब एंडोथीलियम से मुराद है कि कोई भी एक सेलुलर लाइंड एक वो जो बन जाए, अगर स्वेलिंग सी बन जाए हमारी बॉडी में, जिसको जिसको लाइन किया वो एक प्रॉपर मेम्ब्रेन है विच इज एंडोथीलियल और एपिथीलियल लाइन मेम्ब्रेन, ठीक है, तो उसको आप सिस्ट कहते हैं। तो सिस्ट की डेफिनेशन होती है कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड फिल्ड सैक कैविटी लाइंड बाय एंडोथीलियम या एपिथीलियम, मतलब ये होता है कि एक आपके पास कोई चीज होनी चाहिए, उसके अंदर जो मटेरियल होगा वो फ्लूइड फिल्ड होगा, इट शुड बी समथिंग जो कि मूवेबल हो, हार्ड और फर्म सिस्ट कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है, और उसकी जो ऊपर कवरिंग होगी वो एंडोथीलियम या एपिथीलियम की होगी। तो अगर जो इसी तरह आपने सुना होगा सूडोसिस्ट का नाम, तो सूडोसिस्ट हमेशा वही होती है जिनकी या तो कवरिंग प्रॉपर नहीं होती, मतलब एंडोथीलियम या एपिथीलियम की कवरिंग उनको कवर नहीं कर रही होती, या उनके कॉन्टेंट्स में कोई प्रॉब्लम होती है, तो मतलब दे आर नॉट द ट्रू सिस्ट, ये आपने याद रखनी है बात। तो अब आपके पास आ जाती है बात कि हम सिस्ट में पढ़ेंगे जो वो है, एक पहली डर्मोइड सिस्ट और दूसरी सेबेशियस सिस्ट, ठीक है। अच्छा, डर्मोइड सिस्ट का नाम आपने सुना होगा, अगर आपको याद हो अपनी जब आप गायनी ऑब्स का चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपने एक पढ़ा होगा डर्मोइड सिस्ट आती है, बिनाइन ओवेरियन जो सिस्ट का चैप्टर है उसमें आपने ये नाम पढ़ा होगा, ठीक है, इसको टेराटोमा भी कहते हैं। तब हमने ये पढ़ा था कि जो ओवरीज में ये सिस्ट बनती है उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपके टोटी पोटेंशियल सेल्स होते हैं, टोटी पोटेंशियल सेल्स का मतलब होता है कि वो वाले सेल्स हैं जो बॉडी की, अगर हम एम्ब्रियोनिक लाइफ में जाएं, एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपको पता है कि तीन लेयर्स बनती हैं, एंडोडर्म होती है, मीजोडर्म होती है और एक्टोडर्म होती है, और हमारी जितना भी एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनता है, जो कुछ भी बनता है, वो इन्हीं तीनों लेयर्स से बनता है। तो वो वाले टाइप के सेल्स जो कि इन तीनों लेयर्स को बना सकते हैं और इन तीनों लेयर्स से बॉडी का हर सेल बन सकता है, उनको हम टोटी पोटेंशियल सेल्स कहते हैं। तो बॉडी में जब टोटी पोटेंशियल सेल किसी जगह पर रिजाइड करता है और वो अचानक से ग्रो करने लग जाता है, वो ये तीनों सेल लाइंस में कन्वर्ट होता है, और तीनों सेल लाइंस में से जो उसका दिल करता है वो स्ट्रक्चर बनाता है। तो उस तरह को, और सपोज करें कि जैसे ये टोटी पोटेंशियल सेल था, ये तीनों सेल लाइंस में डिवाइड किया, उसके बाद इसने जो मर्जी स्ट्रक्चर दिल किया बना, इसने हेयर, नेल, कार्टिलेज, बोन, टिश्यू, मतलब जो मसल, जो जो उसका दिल किया ना, टेंडन, वो सब बनाता गया, फ्लूइड भी था उसके आसपास, ये सारी चीजें जो बनी, बाल, जो कुछ मैं भी नाम लिए, ये सब कुछ बना, साथ फ्लूइड फिल्ड था, और उसके इर्द गिर्द एंडोथीलियम ने ऐसे कवरिंग बना दी, ये एक सिस्ट बन जाती है, इसको हम कहते हैं डर्मोइड सिस्ट या टेराटोमा, दिस इज अ बिनाइन सिस्ट, ठीक है। टेराटोमा वही मतलब है कि इसके अंदर बॉडी का कोई भी सेल हो सकता है, आपको हेयर, नेल, कार्टिलेज, टेंडन, बोन, मसल, कुछ भी मिल सकता है, और इसको एक प्रॉपर एपिथीलियम ने लाइन किया होगा। हमने ये ओवरीज में पढ़ा था अपनी गायनी में, बॉडी में कहीं पर भी अगर ये सिस्ट बनती है तब भी ये डर्मोइड सिस्ट या टेराटोमा होती है। यहां पर इस डर्मोइड सिस्ट में सिर्फ ये मतलब नहीं है, यहां पर इसको जो मैंने भी नाम लिया ना, जो मैंने आपको बताई ओवरी वाली, इसको कहते हैं टेराटोमेटस डर्मोइड सिस्ट, ठीक है, जो मैंने भी नाम लिया आपको बताइए कि जो टोटी पोटेंशियल सेल्स से बनती है और जो कुछ भी बना सकती है, जो ओवरीज में हमने पढ़ी थी उसका नाम है टेराटोमेटस डर्मोइड सिस्ट, ठीक है। जनरली अगर डर्मोइड सिस्ट का नाम लिया जाए ना कि इसकी वैसे डेफिनेशन क्या है, तो कोई भी सिस्ट, सिस्ट का मतलब है कि कोई भी फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको एक एपिथीलियम ने लाइन किया हुआ होगा, जब उसके अंदर किसी भी एपिथीलियम के डिस्क्विमेटेड सेल्स यानी टूटे फूटे सेल्स आकर शामिल हो जाते हैं और एक सिस्ट बन जाती है, उसको डर्मोइड सिस्ट कहते हैं। मतलब ये कि आप समझ लें कि एक फॉल्स ऑरिजिन है, कहीं से भी आ सकती है। एग्जैक्ट क्या डेफिनेशन हमने लिए कि जिसमें डिस्क्विमेटेड सेल्स आ जाए, डिस्क्विमेटेड सेल्स हम तब कहते हैं कि कोई भी जो एपिथीलियम है, जो स्क्विमस एपिथीलियम हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, हमारी बॉडीज को ज्यादातर जो एक्सटर्नल सर्फेस है वो स्क्विमस एपिथीलियम से लाइंड है, तो जब भी बॉडी का कोई स्क्विमस एपिथीलियम था, उसके सेल्स टूटे, उनको हम डिस्क्विमेटेड सेल्स कहते हैं, वो डिस्क्विमेटेड सेल्स किसी जगह इकट्ठे हो गए, थोड़ा बहुत फ्लूइड आ गया, उसको एक एपिथीलियम या एंडोथीलियम ने लाइन कर दिया, एक सिस्ट बन गई, ये डर्मोइड सिस्ट है आपकी, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी टाइप का सेल हो सकता है, डिस्क्विमेटेड सेल एक जनरल टर्म हमने इसके लिए इस्तेमाल कर दी है, ठीक है। तो इसके अगर हम देखेंगे कि इसके कॉन्टेंट्स में क्या है, तो इसका कॉन्टेंट कोई पेस्ट लाइक कॉन्टेंट्स होते हैं जिसके अंदर सीबम, स्वेट ग्लैंड हो सकते हैं, डिस्क्विमेटेड एपिथीलियल सेल्स हो सकते हैं, और टाइप के हिसाब से कुछ भी हो सकते हैं। जैसे अब इसकी टाइप्स हैं, जो पहली वाली टाइप है कंजेनिटल डर्मोइड सिस्ट, कंजेनिटल डर्मोइड सिस्ट होती है बेसिकली जो हमारी बॉडी की स्पेशल लाइंस बनती हैं,
लाइन से मुराद है कि जब एम्ब्रियोनिक टिश्यू या फिर जब एक एम्ब्रियो बन रहा होता है तो आपको पता है कि एक स्ट्रक्चर बन रहा है दूसरा स्ट्रक्चर बन रहा है, जहां पर स्ट्रक्चर्स आपस में आकर फ्यूज कर रहे होते हैं वहां पर हम कहते हैं कि वो एम्ब्रियोनिक प्लेन्स हैं। ठीक है, जहां पर स्ट्रक्चर्स आपस में फ्यूजन ले रहे होते हैं। अब ये सारी एम्ब्रियो की बातें इतनी डिटेल में ना भी जाए तो भी खैर है, पर सबसे याद रखिए जहां पर आपके एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर्स फ्यूज कर रहे होते हैं आपस में, जैसे मिड लाइन में फ्यूज करते हैं, जो आपका बिल्कुल ये बच्चे का मुंह है अगर ये बच्चे की नाक है। ठीक है, हम नाक किस तरह कहते हैं, मुंह का दरमियान वाला हिस्सा क्या होता है, नाक की सीध, नाक का दरमियान जो होता है बिल्कुल वो दरमियान होता है। तो मिड लाइन में आपका फ्यूजन ऑफ द स्ट्रक्चर्स होती है तो वो जाहिर है एक आपका प्लेन है। इसी तरह ये जो ईयर है, ईयर के बिल्कुल आगे फ्यूजन ऑफ स्ट्रक्चर्स होती है, ये आपका एक प्लेन है। जहां जहां पर जब स्ट्रक्चर्स फ्यूज करते हैं ना, उस वक्त अगर कोई सेल्स बिल्कुल जो स्किन के नीचे एम्बेड हो गए थे, मतलब कुछ सेल्स ऐसे थे जो आपके स्क्वेमस सेल्स थे और जब स्ट्रक्चर्स फ्यूज कर रहे थे तो स्किन के नीचे थोड़े से सेल्स फ्यूजन वाली जगह पर, मतलब ऐसे दो चीजें फ्यूज करी ना, कुछ स्क्वेल्स थे जो टूटे हुए सेल्स थे वो इधर बिल्कुल स्किन के नीचे आकर थोड़े से रह गए, ऐसा ऐसा वो थोड़े बड़े होते कि उनके अंदर फ्लूइड कलेक्ट हो गया, सिस्ट सा बन गया, उसको कहते हैं कंजेनिटल डर्मोसिस, जो बच्चे की पैदाइशी होगी और किसी भी फ्यूजन प्लेन वाली जगह पर होगी, जैसे कि आपकी ये मीडियन नेजल प्लेन में हो सकती है, कान के सामने प्रीऑरिकुलर प्लेन में हो सकती है, पोस्ट ऑरिकुलर प्लेन में हो सकती है। ये सारी वो है जब स्ट्रक्चर्स फ्यूज कर रहे थे, जो सेल्स थोड़े बहुत टूटे फूटे थे वो स्किन के नीचे थोड़े से रह गए और उसके बाद वहां पर एक सिस्ट बन गई। ठीक है, फिर होती है इम्प्लांटेशन सिस्ट। इम्प्लांटेशन सिस्ट का मतलब ये है कि जब आपको कोई ऐसा काम आप करते हैं जिसमें आपको रिपीटेडली ट्रॉमा होता रहता है, तो आपके बॉडी के जो ओवरऑल स्किन के सेल्स है वो टूटते रहते हैं, थोड़ा बहुत ट्रॉमा हुआ, जैसे सपोज दर्जियों का काम है, हल्की सी सुई लग गई या कुछ लग गया, उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो आपके स्किन के सेल्स, सपोज हल्का सा सुई लगी, कट लगा, स्किन के कुछ ना कुछ सेल्स जो डिस्क्वेमेट हुए थे वो अंदर चले गए। अगर वो सेल्स अंदर चले जाते हैं वो स्किन के नीचे थोड़े से रह जाते हैं, मतलब इम्बेड हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वहां पर एक सिस्ट बन जाती है, तो उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन सिस्ट। ठीक है, इम्प्लांटेशन डर्मोइड सिस्ट, और ये ज्यादातर बनती है जिनको रिपीटेड ट्रॉमाज होते हैं, जैसे फीमेल्स हैं जो काम करती हैं ज्यादा, या हाथों से जिनका काम होता है, या दर्जी वगैरह होते हैं। ट्रेटोमेटस डर्मोसिस मैं आपको बता चुकी हूं, टोटिपोटेंशियल सेल से बनती है, और ट्यूबुलो एम्ब्रियोनिक डर्मोसिस जो है ना, जो हमारी बॉडी की एक्सेसिव एक्स्ट्रा वो ट्यूब्स होती हैं जिन्हें बाद में बंद हो जाना होता है। जैसे आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड आपका पहले होता है मुंह में, ओरल कैविटी में इसकी ओरिजिनेशन होती है टंग के नीचे, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता नेक में आते हैं नीचे। जो डक्ट होती है जिसको ऊपर से नीचे तक कनेक्ट करती है उसको हमने कहा है थायरोग्लॉसल डक्ट। आपको पता है कि ये खत्म हो जाती है बाद में, थायरोग्लॉसल डक्ट जबान से लेकर थायराइड ग्लैंड तक एक डक्ट होती है उसको थायरोग्लॉसल डक्ट कहते हैं, ये रेमिनेंट होते हैं, खत्म हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि यहां पर आपके जो सेल्स है ना वो रह जाते हैं और यहां पर एक सिस्ट बन जाती है, जैसे थायरोग्लॉसल सिस्ट आपने नाम सुना होगा, वो क्या होती है कि थायरोग्लॉसल डक्ट के सेल्स डिस्क्वेमेटेड रह जाते हैं। यहां गर्दन में बच्चों की ये होती है कि थायराइड ग्लैंड से ऊपर और जबान से नीचे एक सिस्ट बनी होती है, थायरोग्लॉसल सिस्ट। बड़ी रेयर सी चीज है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लाते हैं ट्यूबुलो एम्ब्रियोनिक में, कि वो एम्ब्रियोनिक ट्यूब्स थी जिनकी जगह पर एक सिस्ट बन गई है। ठीक है, इन एनी केस कोई भी सिस्ट इस किस्म की आती है, जो डर्मोइड सिस्ट होती है, सिंपल आपने क्या करना है कि आपने पूरी की पूरी सिस्ट को सर्जिकली एक्साइज कर देना, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, चाहे वो थायरोग्लॉसल है, इम्प्लांटेशन वगैरह। अब आते हैं दूसरी कोई बच्चे सेबेशियस सिस्ट, ये भी बहुत कॉमनली आती है आपके पास सिनेरियो में ज्यादा, इसमें जो आपका पास वो पॉइंट है ना, एक तो ये हेरी एरियाज में होती है, क्योंकि ये वो सिस्ट बनती तब है जब आपके सेबेशियस डक्ट जो है ना, सेबेशियस ग्लैंड्स, आपको पता है कि ग्लैंड्स हैं जिन्हें सीबम प्रोड्यूस करना है, और जो बालों वाले एरियाज हैं आपके, जैसे एक्सिलरी एरिया, ग्रोइन एरिया, तो उन एरिया में सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। उन ग्लैंड्स की डक्ट्स अगर ब्लॉक हो जाती हैं, मतलब ये मेरा एक सेबेशियस ग्लैंड की डक्ट है जो आगे आ रही है और ये पंक्टम है, इस सुराख से ये ग्लैंड था, यहां से सीबम इस डक्ट से गुजर के आता है और आकर इधर बाहर सीबम निकालता है। अगर ये बीच में कहीं यहां पर ब्लॉक हो जाएगा तो सीबम इधर इकट्ठा होता जाएगा, ये बड़ी होती जाएगी डक्ट, बड़ी होती जाएगी और यहां पर एक सिस्ट बन जाएगा, इसको सेबेशियस सिस्ट कहते हैं। जाहिर है सेबेशियस जो डक्ट है बिल्कुल स्किन के करीब होती है, इसलिए जो सिस्ट होती है वो स्किन के करीब ही आपको नजर आएगी। तो इसमें एक तो ये कि ये हेरी एरियाज पे होंगी, जाहिर है जहां सीबम ग्लैंड्स होंगे वहीं पर होंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब ये सिस्ट बनती है तो ये इतनी ज्यादा सॉफ्ट और फ्लक्चुएंट नहीं होती जितनी वो वाली होती है, वो डर्मोइड सिस्ट बहुत सॉफ्ट फ्लक्चुएंट होती है, लेकिन ट्रांसिल्यूमिनेशन नेगेटिव है इसकी, क्योंकि इसमें पेस्ट लाइक मटीरियल है। ट्रांसिल्यूमिनेशन उसमें होती है जिसमें क्लियर फ्लूइड होता है। ठीक है, ट्रांसिल्यूमिनेशन का मतलब है कि एक सिस्ट है ना, उसमें अगर आप एक साइड से टॉर्च ऐसे मारेंगे, मतलब ये मेरी सिस्ट है, अगर हाथ यहां से मैं अगर टॉर्च की लाइट डालूंगी तो दूसरी साइड से मुझे टॉर्च की लाइट नजर आए, उसको कहते हैं कि ट्रांसिल्यूमिनेंट है ये चीज। और ये कब होती है, जब क्लियर फ्लूइड हो। डर्मोइड सिस्ट का फ्लूइड क्लियर नहीं है, उसमें सेल्स है, इसलिए वो नॉन ट्रांसिल्यूमिनेंट है। सेबेशियस सिस्ट में भी सीबम है, नॉन ट्रांसिल्यूमिनेंट है, और थोड़ी सी सख्त होती है, उतनी सिस्टिक नहीं होती, सख्त उस तरह वाली फर्म नहीं होती, बट मोर देन डर्मोइड सिस्ट। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये डर्मोइड सिस्ट सॉरी सेबेशियस सिस्ट जब बनती है तो जाहिर सेबेशियस ग्लैंड की जो डक्ट है वो ब्लॉक होती है ना, तो उसका जो पंक्टम है, ये सुराख है, ये ऐसे प्रोमिनेंट करके आपको सिस्ट के ऊपर नजर आएगा। मतलब सपोज कर ले कि ये एक्सिलरी एरिया है किसी बंदे का और यहां पर उसकी सेबेशियस सिस्ट से एक छोटी सी बनी है, तो यहां पर उसको एक छोटा सा सुराख मिलेगा, बेसिकली पंक्टम होगा जिससे सीबम ने निकल के आना था और अब पीछे ऑब्स्ट्रक्शन है और सारा सीबम पीछे इकट्ठा हुआ है, तो वो सेबेशियस सिस्ट हो जाती है आपकी। ठीक है, अच्छा, इसका भी
जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो यही है कि आपको नजर आएंगे कि स्वेलिंग है और स्किन कलर की स्वेलिंग है, हो सकता है इन्फेक्शन हो चुका हो उसमें। डायग्नोसिस क्लिनिकल ही होता है, ज्यादा बहुत किसी को जरूरत हो तो वो फिर उसमें से बायोप्सी कराए और उसको हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराएं। वो जब होता है जब आपको सस्पिशन हो किसी मैलिग्नेंसी की, अदरवाइज नहीं होता। कॉम्प्लिकेशन इसमें डेवलप हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा सीबम ना इसमें से निकलता रहता है जो पंक्टम है उसमें से, और वो सीबम जैसे ही जरा सा निकलता है तो वो हार्ड होकर इधर जमता जाता है, जमता जाता है, जमता जाता है, ऐसा ऐसा जम 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 के पूरा ना इधर एक सिंग जैसी चीज, मतलब एक इतनी बड़ी सी चीज बन जाती है, उसको हम कहते हैं सेबेशियस कॉर्न। हो सकता है कि ये सिस्ट के अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाए, हो सकता है कि ये आपका जो सिस्ट है उसके अंदर, अगर जो स्कैल्प पे बनती है ना तो उसको हम कहते हैं बड़ी अजीब सी होती है, इन्फेक्टेड सी जो स्कैल्प की स्किन पे बनती है बालों में, इसका सर में, उसको कॉक्स पेक्यूलियर ट्यूमर कहते हैं। कभी आया तो नहीं है ये एग्जाम में, बट स्टिल वैसे नाम लिखा होता तो मैं इनका बता दूं, कॉक्स पेक्यूलियर ट्यूमर जो स्कैल्प में बनती है। बहरहाल ट्रीटमेंट क्या, अगर छोटी है ना तो फिर तो आप उसको स्किन समेत ही पूरा का पूरा निकाल देंगे, एक्सीजन कर देंगे, और अगर बड़ी सिस्ट है तो जाहिर है फिर आप स्किन तो नहीं निकाल सकते ना सारी, वरना तो वुंड इतना बड़ा जख्म बन जाएगा। तो फिर आप क्या करते हैं कि फिर आप उसको इंसाइज करते हैं, अंदर से सिस्ट को पूरी की पूरी वॉल समेत सारा का सारा एक्साइज निकाल के और फिर वुंड को क्लोज करते हैं। दैट्स इट। तो यहाँ पर वक्त किसी को मसला है कि ना, थैंक यू।